दुनिया की सबसे बड़ी दस्तक देती खबर आपको सरल तरीके से आज हम समझाने वाले हैं। अमेरिका में इस बार किसका राज तिलक होगा? भारत में रात के 10 बज रहे हैं, अमेरिका में अभी सुबह के लगभग 11:30 बजे। क्या अमेरिका अगले कुछ घंटे में इतिहास रचने वाला है? अब की बार फिर ट्रंप सरकार या फिर पहली बार महिला राष्ट्रपति अमेरिका में होंगी? जो भी होगा इतिहास बनेगा, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते तो 131 साल में कमबैक करने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति वो बन जाएंगे। लेकिन अगर कमला हैरिस जीती तो अमेरिका 236 साल पुराने चुनावी इतिहास को बदल देगा, क्योंकि तब कमला अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। कुल मिलाकर अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति का चुनाव ऐतिहासिक ही साबित होने वाला है। लेकिन इतिहास बनने में क्या 1% वोट से खेल हो सकता है, ये आपको आज बताएं। उससे पहले अभी की बड़ी खबर हम आपको दिखा देते हैं। अमेरिका में वोटिंग को 6 घंटे बीत चुके हैं। भारत के समय के अनुसार 4:00 मतदान अमेरिका में शुरू हुआ। अमेरिका में ये वोटिंग अभी लगभग 11 घंटे और चलनी है। सुबह 9 बजे तक वोटिंग होनी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार अब तक के पोल में ट्रंप और कमला के बीच कांटे की टक्कर ही चल रही है। हालांकि चुनाव के दिन से पहले भी लगभग 83 मिलियन लोग वोट अपने डाल चुके थे अलग अलग तरीकों से, और आज का दिन जब दोनों ही पक्ष कोशिश कर रहे हैं कि उनके समर्थक अधिक से अधिक संख्या में निकलकर वोट डालें। जो भी होगा इतिहास होगा, ऐसा इतिहास जो अमेरिका में कम से कम 1 सदी के बाद बन सकता है। We have an opportunity in this election to turn the page on a decade of Donald Trump. Kamala, you're fired. Get the hell out of here. दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के लिए तीसरी बार चुनाव लड़ते ट्रंप और पहली बार प्रेसिडेंट बनने के लिए चुनाव में उतरी कमला हैरिस का फैसला 15 करोड़ वोटर के हाथ में है, जहां पहली बार 7 करोड़ से ज्यादा वोट पहले ही पड़ चुके हैं। ये भी एक इतिहास ही है, क्योंकि कोरोना काल में 2020 का चुनाव छोड़ दें तो कभी भी 7 करोड़ वोटर ने अर्ली वोटिंग यानी वोटिंग डे से पहले ही अपना वोट नहीं डाला था। कमला हैरिस इंडियन ओरिजिन की है, बट शी हैज नेवर सपोर्टेड इंडिया और इंडियन पॉलिसीज, शी नोज नथिंग अबाउट इट। जब तक वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट या वाइस प्रेसिडेंट नहीं थी, तब तक उन्होंने कभी बोला भी नहीं कि मैं हाफ इंडियन हूँ। आई विल सपोर्ट ट्रंप। क्यों? जब ट्रंप थे लास्ट टाइम तो इकोनॉमी इतनी अच्छी थी, सो जस्ट दैट इज द रीजन एंड वी नीड समथिंग लाइक यू नो। मैं ट्रंप को भी सपोर्ट कर सकती हूँ, क्योंकि काफी इंडियन जब वो था तो बहुत इंडियन यहाँ पे इजी था आने के लिए और बिजनेस भी बहुत अच्छे बन रहे थे। और जब से ये हुआ है बाइडेन का, तब तो सब कुछ नीचे हो गया, कोई इंडियन जल्दी से आ भी नहीं सकता यहाँ पे। जहाँ 40% मतदाता अमेरिका में पहले ही वोट डाल चुके हैं, वहाँ मुकाबला कड़ा है। इतना कड़ा कि ट्रंप और कमला हैरिस के बीच 1% वोट का अंतर ही पोल्स के बीच में माना जा रहा है। We will take back that beautiful White House. Kamala Harris is unfit to lead. A second Trump term would be a huge risk for America and dangerous. कांटे की टक्कर ऐसी चल रही कि वोटिंग के बीच जब न्यू हैम्पशायर के डिक्सविल नॉच में कमला और ट्रंप दोनों को मिले वोट की गिनती हुई तो दोनों को 3-3 वोट ही मिले पाए गए, क्योंकि यहाँ सिर्फ 6 वोट थे। वोटिंग के 12 मिनट बाद के पहले परिणाम में ये 50-50 वाली टक्कर कहती है अमेरिका में जो होगा ऐतिहासिक होगा। Kamala, who's grossly incompetent, broken. I will fix it. We're gonna fix it. We're gonna fix it.
I do believe Donald Trump to be an unserious man. इतिहास इसलिए भी बनेगा क्योंकि अगर ट्रंप ने चुनाव जीता तो अमेरिका में वो होगा जो 131 साल में नहीं हुआ। ट्रंप चुनाव जीते तो 131 साल में कमबैक करने वाले अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति होंगे। कमबैक यानी एक बार प्रेसिडेंट, फिर हार और फिर राष्ट्रपति बनने वाले ट्रंप 131 साल बाद इतिहास रच पाएंगे। इससे पहले 1893 में अमेरिका में ऐसा हुआ था। वहीं अगर कमला हैरिस ने चुनाव जीता तो इतिहास इसलिए बनेगा क्योंकि 236 साल के चुनावी इतिहास में पहली बार अमेरिका को महिला राष्ट्रपति मिलेंगी। सवाल है, यही इतिहास अमेरिका में कौन बनाएगा, ट्रंप या फिर कमला हैरिस? और बड़ी खबर अभी यह है कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप कभी भी वोटिंग के लिए खुद पहुंचने वाले हैं। ट्रंप को फ्लोरिडा में वोट डालना है। ट्रंप के पहुंचने से पहले सुरक्षा के हर तरह के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। चूंकि आपको यह भी ध्यान होगा कि उनकी जान लेने की भी कोशिश इस पूरे कैंपेन के समय की गई थी। बहरहाल पूर्व राष्ट्रपति हैं तो एक सुरक्षा कवच उन्हें मुहैया है और फ्लोरिडा में जब ट्रंप वोट डालने पहुंचेंगे तो उसकी सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पूरे अमेरिका में जिस तरीके से इस समय चुनाव में पसोपेश की स्थिति है कि दोनों में से जीत आखिर किसकी होगी, नजर उस पर भी बननी जरूरी है। सबसे पहले हम रोहित शर्मा के पास चलते हैं, हमारे संवाददाता जो कि वॉशिंगटन डीसी में इस समय हमारे साथ हैं। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर हम आपको दे देते हैं अमरीकी चुनाव से। हम आपको बता दें कि सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। बीमार वो चल रही थी, वेंटिलेटर पर रही और अभी अभी उनके निधन की पुष्टि की गई है। ये अपने आप में एक बहुत ही अजीब सी बात है कि देखिए छठ का महापर्व चल रहा है जिसके अधिकांश जो गीत हैं उन्हें स्वर दिया शारदा सिन्हा ने और छठ पर्व के ही पहले दिन उन्होंने अंतिम सांस ली। हमारे साथ हमारे संवाददाता शशि भूषण इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शशि, आमतौर पर इतनी बड़ी हस्ती के जाने पे अपूर्णीय क्षति की बात तो होती है, लेकिन जब शारदा सिन्हा जी की भी हम बात करते हैं और छठ पर्व के पहले दिन की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जितने भी छठ पर्व के अनुयायी हैं शारदा सिन्हा को सुनने वाले हैं सबकी आंखें आज भीग गई। बिल्कुल सर, हम वो लोग गीत गाए हों चाहे शादी ब्याह और बाकी चीजें पर भी उनकी भोजपुरी मैथिली की गीतें बजती हैं रही हैं बिहार में, लेकिन उनकी जो बड़ी पहचान थी वो छठ के गीतों से थी। और देखिए अजीब नियति है कि आज जब लोक आस्था के महापर्व की शुरुआत हुई है उसी दिन उन्होंने अंतिम सांस ली है। हालांकि उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, सोशल मीडिया पे भी बहुत ऐसी खबरें आ रही थी उनको लेकर के। तब उनके बेटे अंशुमन जो है वो उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया था कि आप प्रार्थना करिए छठी मैया से कि माता जी ठीक हो जाएं। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो खबर आई है दिल्ली एम्स से उन्होंने अंतिम सांस ले ली है। और शारदा सिन्हा की अपनी पहचान देश के स्तर पे या यूं कह लीजिए ग्लोबल स्तर पे भी थी छठ को लेकर के, और लोक गायकी में जो उन्होंने एक मुकाम हासिल किया था ये एक पुण्य क्षति है न केवल बिहार के लिए बल्कि देश के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो छठ और आस्था और बाकी चीजों से कहीं ना कहीं खुद को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। श्वेता, हम अमेरिकी चुनावों की ही बात करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में से कौन अमेरिका का अगला राष्ट्रपति होगा इसको लेकर अभी निर्णय आज का दिन जहां पर वोटिंग के लिए बड़ी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं। हालांकि एक तरफ होता है पॉपुलर वोट, एक तरफ होता है इलेक्टोरल कॉलेज का वोट और इस सब के बीच में किसके हिस्से में वो आंकड़े जाएंगे जो सरकार जो राष्ट्रपति अमेरिका का बनेगा। हालांकि उसके लिए जनवरी का महीना अहम है लेकिन ये पूरी प्रक्रिया जिस तरह की है उसे भी हम कुछ हद तक आपको समझाने का प्रयास करेंगे और साथ ही अमेरिका में जो भी निर्णय होता है उसका भारत पर क्या प्रभाव, क्या असर हो सकता है, भारत अमेरिकी रिश्तों की भी बात करेंगे। सबसे पहले रोहित शर्मा के पास चलते हैं जो कि हमारे संवाददाता हैं, वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, एक बात जो भारत में वोटरों को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हमारे यहाँ वोटिंग का दिन का भी ऐलान होता है और उसके साथ ही जिस दिन मतगणना होगी उसका भी ऐलान होता है, लेकिन अमेरिका में किस प्रकार
और किस तरीके से, कितनी जल्दी से जल्दी और कितनी देर से देर तक ये नतीजे आ सकते हैं? देखिए श्वेता, 2016 तक यूजुअली ऐसा होता था कि रात को जब 9 बजे के बाद पोलिंग बंद हो जाती है कई स्टेट्स में, तो एक अंदाजा लग जाता है और प्रोजेक्टेड विनर्स जो नेटवर्क्स है, बड़े बड़े नेटवर्क्स है, CBS, ABC, ये प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि कौन सा स्टेट में कौन आगे है और कौन जीत रहा है और कौन जीत जाएगा। ये बेस्ड होता है पुराने वोटिंग रिकॉर्ड्स पे, पुराने इलेक्शन के नतीजों पे और जो एग्जिट पोल हो रहे हैं। जैसे मैं इस इलेक्शन सेंटर पे खड़ा हूँ, यहाँ पे काफी लोग हैं जो पूछ रहे हैं वोटर से कि आपने किसको वोट दिया है। इन तीनों को जब मिलाते हैं तब ये नेटवर्क्स ये इतने बड़े बड़े कॉल्स देते हैं कि फॉर एग्जांपल वर्जीनिया स्टेट वो डेमोक्रेट हो गया या नॉर्थ कैरोलिना स्टेट है वो ट्रंप जीत जाएंगे। तो इसी तरह की प्रक्रिया हमें आज देखने को मिलेगी अमेरिका में, क्योंकि 3 डिफरेंट टाइम जोन्स हैं तो हर जगह पोल्स जो है वो अलग अलग टाइम पे बंद होंगे, लेकिन गणना जो है, मतगणना जो है वो तुरंत शुरू हो जाती है। जहां पे मैं खड़ा हूं यहां पे शाम को 7 बजे वोटिंग जो है वो बंद हो जाएगी और उसके तुरंत बाद यहाँ पे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और ऐसा माना जाता है कि करीब 2 या 3 घंटों में पता चल जाता है आंकड़ों से, जिस तरह की पोलिंग हो रही है, जिस तरह के इनिशियल नंबर्स आते हैं कि ये इतना करीबी हो रहा है इस काउंटी में कौन जीत रहा है। तो ये एक अपने नहीं, तो मैं वही कह रहा था श्वेता, लेकिन अगर हम स्विंग स्टेट्स की बात करें, पेंसिल्वेनिया की, एरिजोना की, जो बार बार हम हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, वहां पे हर स्टेट में, और अमेरिका में हर स्टेट की खासियत यह है कि हर स्टेट में अलग अलग चुनावी लॉ है, कोई फेडरल कमीशन नहीं है यहाँ पे, हर स्टेट का एक अपना खुद का कमीशन होता है, हर काउंटी के रूल्स भी अलग होते हैं। कहीं कहीं ऐसी काउंटीज है जहां पे अगर आप लाइन में लगे हुए हैं, बहरहाल फॉर एग्जाम्पल आप 7 बजे तक का आपका वोटिंग टाइम है, लेकिन आप लाइन में खड़े हैं तो आपको वोट करने दिया जाएगा। और कई स्टेट्स में ऐसा भी है कि पहले मेल इन बैलेट जो पोस्टल बैलेट है वो काउंट किए जाते हैं और कई स्टेट्स में मेल इन बैलेट सबसे आखिरी में काउंट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल्वेनिया में पहले गिने जाएंगे जिन्होंने आज की तारीख में वोट किया है उन्हें, और बाद में वो जो 2 मिलियन का आंकड़ा है जिन लोगों ने पोस्टल बैलेट यूज किए हैं उनको बाद में गिना जाएगा। और उन्हीं पोस्टल बैलेट की वजह से, मैं याद दिलाऊं श्वेता, बाइडन हारते हारते पेंसिल्वेनिया जीत गए थे और यहीं पे मामला आके रुकने वाला है। पेंसिल्वेनिया के जो ये पोस्टल मेल इन बैलेट्स है, साथ ही साथ मिशिगन में ये होने शायद होने की अंदाशा है, और नॉर्थ कैरोलिना में भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि हमें जो वहां से जो रिजल्ट्स है जिसपे पूरा का पूरा ये 270 का इलेक्ट्रोल कॉलेज मैप है ये रुका हुआ है, हमें शायद डिले देखने को मिलेगा कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन है। ये और पिछली बार जिस तरीके से ट्रंप की तरफ से ऐलान भी हो गया था कि उनकी जीत हो गई है, लेकिन बाद में जो बाइडन वहां पर विजयी घोषित हुए थे। तो गीता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जगदीश सेवहानी हमारे साथ हैं, अचल मल्होत्रा, देव कार्लेकर और साथ में सुशांत सरीन। हम अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले आपको बता दें कि अमेरिका में मुकाबला कितना कांटे का है उसका अंदाजा आपको पेंसिल्वेनिया राज्य के चुनाव को लेकर आए सर्वे से पता चलेगा, आप हैरान रह जाएंगे। उससे पहले ये डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें जो कि फ्लोरिडा में वोट डालने पहुंचे हैं, और फ्लोरिडा से हमारे साथ हमारी संवाददाता गीता मोहन जुड़ी हुई है। गीता जी, बिल्कुल श्वेता, मैं वही हूँ जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप वोट करने आने वाले हैं कुछ ही देर में। मॉर्टन एंड बार्बरा मैंडल रिसर्च रिक्रिएशन सेंटर, और यहाँ पर अगर आप देखें काफी उत्साह है। ऐसा कोई पोलिंग स्टेशन नहीं है जहाँ पर इतने मीडिया के लोग हों, ना केवल अमेरिकन लेकिन इंटरनेशनल हम जैसे लोग भी यहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए खड़े हैं। तो काफी सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद है, लोग लगातार आ रहे हैं वोट करने के लिए। लेकिन देखिए ये बच्चे जो यहाँ पर हैं, ये अपने अपने जो सैंडल्स है वो लेके इंतजार कर रहे हैं कि ट्रंप बाहर आएंगे तो वो ऑटोग्राफ लेंगे उनका अपने सैंडल्स पर, अपने स्लिपर्स में। तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है यहाँ पर। वेस्ट पाम बीच की अगर बात करें तो ट्रंप का गढ़ माना जाता है, उनका घर है यहाँ पर, बहुत ही करीब 10 मिनट के रास्ते में मार-ए-लागो है। और यहाँ पर रास्ते रास्ते में जहाँ पर भी जहाँ आप देखिए आपको ये ट्रंप वैंस बिलबोर्ड्स और पोस्टर्स नजर आएंगे। ये देखिए यंग किड्स वोट नहीं किया है लेकिन सपोर्ट करने जरूर निकले हैं। सबसे यंगेस्ट सपोर्टर ये रहे, फ्लैग के साथ घूम रहे थे SJ, नॉट विद द फ्लैग राइट नाउ बट या ही वाज होल्डिंग अ फ्लैग अ व्हाइल अगो, दैट्स SJ फॉर यू श्वेता। बड़े देर से एक फ्लैग लेके यहाँ पर पोलिंग बूथ के बाहर खड़े हैं अपने फैमिली के साथ। तो अगर सपोर्टर्स की बात करें तो बहुत सपोर्ट बेस यहाँ पर काफी स्ट्रांग है। और ये जो एरिया है फ्लोरिडा वो उसे रिपब्लिकन स्टेट ही कहा जाता है, और रिपब्लिकन स्टेट्स में
फ्लोरिडा का नंबर काफी स्ट्रॉन्ग है, 30 इलेक्ट्रेट यहाँ पर आप इलेक्ट्रल वोट्स मिलते हैं आपको, तो यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट है। हालांकि यहाँ पर भी काफी ऐसे लोग हैं जो आ रहे हैं और कह रहे हैं हैरिस को सपोर्ट करें क्योंकि अबॉर्शन लॉज। गीता हम सुन लेते हैं इस समय डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोल रहे हैं। Just finish it up. No, I feel very confident. I have felt, you know, we went in with a very big lead today, and it looks like Republicans have shown up in force. So we'll see how it turns out. But it seems that they have really shown up in force. I just got a call from Dan Patrick in Texas. He said they've never seen anything like it. It's been very good. Look, regrets, you always have regrets. I can't think of any, to be honest, to use her expression. I can't think of any. I ran a great campaign. I think it was maybe the best of the three. We did great in the first one. We did much better in the second one, but something happened. And this was the best. I would say this was the best campaign we ran. President Trump, do you accept the possibility that you and Vice President Harris both might not get to 270 electoral votes by the end of tonight? It should never happen. A thing like that should never happen. This election should be over. They spend all this money on machines. And frankly, if they'd use paper ballots, it would be over by 10 o'clock. And by the way, the paper ballots would cost 8%. It would be 8% of the cost. If they would use paper ballots, voter ID, proof of citizenship and one day voting, it would all be over by 10 o'clock in the evening. It's crazy. They use these very expensive computers, and I'm hearing in Pennsylvania they won't have an answer till 2 or 3 days from now. I think डोनाल्ड ट्रंप जो कि अपना वोट डालने के लिए पहुंचे हैं वो कह रहे हैं कि वो आश्वस्त हैं कि उनकी जीत होगी। पूरा जो कैंपेन का जो पूरी प्रक्रिया रही है वहां पर वो बहुत ही एक तरह से उसके स्तर को लेकर भी चर्चा बड़ी हुई है। बहरहाल ये बात साफ है कि कल का दिन बहुत अहम होने वाला है क्योंकि जब कल सुबह तक वोटिंग पूरी होगी, भारतीय समय के अनुसार कल सुबह तक वोटिंग पूरी होगी और फिर वोटों की गिनती के साथ रुझान आएंगे तो पता चलेगा कि कौन इतिहास रच रहा है, कौन इतिहास बन रहा है। इन सब के बीच अमेरिका में पोल ऑफ पोल्स से क्या तस्वीर साफ हो सकती है? 1 अगस्त से वोटिंग दिन तक के पोल ऑफ पोल्स यानी अलग अलग जो सर्वेक्षण हुए हैं उनको एक साथ हम दिखाते हैं आपको, जहां कमला हैरिस और ट्रंप के बीच पहले फासला था अब वो आज वोटिंग के दिन कांटे की टक्कर में बदल चुका है क्योंकि सितंबर से अक्टूबर के बीच जहां सर्वे में दिखा कि कमला हैरिस के पास ट्रंप के मुकाबले लीड है उस अंतर को धीरे धीरे डोनाल्ड ट्रंप बहुत कम कर चुके हैं। 25 पोल्स का ये एक संयुक्त पोल है जहां सिमट चुका अंतर अब कहता है कि हर एक वोट जरूरी हो चला है और ये अंतर अब कितना रह गया है अगर देखें तो वोटिंग के दिन अमेरिका में दावा है कि कमला हैरिस अब सिर्फ 1.2% की लीड से ट्रंप से आगे हैं। क्या कमला की इस बढ़त को अगले कुछ घंटों की वोटिंग में ट्रंप खत्म करके खुद आगे बढ़कर इतिहास बना पाएंगे? ये सवाल अब बना रह गया है। तो हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। अचल मल्होत्रा पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं, सुशांत सरीन जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, देव कार्लेकर रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक हैं, न्यूजर्सी से हमारे साथ जुड़े हैं, जगदीश सेहवानी जो अध्यक्ष हैं अमेरिकन इंडियन पब्लिक अफेयर्स कमिटी के वो न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुशांत सरीन जी, ये कर पाएंगे ये जो अभी एक तरह से अमेरिका का जो पोल ऑफ पोल्स हमने दिखाया आपको उसके अनुसार जो बहुत बारीक फासला रह गया है, आपको लग रहा है कि यहां से कुछ मामला बदल सकता है या कमला हैरिस के लिए आसान होगा क्योंकि ये तो इसी चुनाव का एक समय था जब जो बाइडेन के साथ वो डिबेट सब देखते हैं जिसके बाद जो बाइडेन को पीछे हटना पड़ा और कमला हैरिस आगे आई। श्वेता, अगर आपका सवाल का जवाब मैं कल दे सकूं तो बेहतर जवाब दे दूंगा, लेकिन अब आज पूछ रही है तो देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आप 2016 का चुनाव देखें तो उसमें बहुत बढ़त थी हिलरी क्लिंटन की, लेकिन चुनाव अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। अब वो क्या समीकरण बनते हैं ये जब चुनावों के नतीजे आएंगे तभी पता लगेगा, लेकिन कोई बहुत ज्यादा अचंबा नहीं होना चाहिए कि जो सारी अटकलें लग रही हैं कि बहुत कांटे की टक्कर है, शायद जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो काफी क्लियर आ सकता है। और अगर वो क्लियर रिजल्ट आया
तो अमेरिका के लिए एक लिहाज से अच्छा होगा, स्थिरता आएगी। अगर वो बहुत ही कांटे की टक्कर का रिजल्ट आया, तो हमने देखा कि अमेरिका के अंदर जो ये हमारे सारी दुनिया को जो जमहूरियत के ये और लोकतंत्र के ये जो हमारे को पाठ पढ़ाते हैं सारे के सारे, इनकी पोल तो वैसे खुल चुकी है कि किस तरीके से अपना चुनाव लड़ते हैं, किस तरीके से चुनाव को मैनेज करते हैं, वो तो सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन चुनाव के नतीजे ये क्या एक लिहाज से स्वीकार करते हैं या नहीं करते, वो भी पता लग जाएगा। तो अगर तो रिजल्ट स्पष्ट आया, फिर तो शायद चीजें एक स्थिरता की तरफ जाएंगी, लेकिन अगर नहीं आया तो देन आई थिंक ऑल बेट्स अमेरिका के अंदर जो डिविजन्स हैं, जितना वहां पर एक एक लिहाज से बिखराव हो चुका है पॉलिटिक्स का और पोलराइजेशन जो हो चुकी है, वो शायद और ज्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और उसके जो नतीजे होंगे ना सिर्फ अमेरिका के लिए बुरे होंगे, विश्व के लिए, क्योंकि देखिए ये बहुत पुरानी से कि जब अमेरिका को छींक आती है तो सारी दुनिया को जुकाम होता है। आजकल तो ये लग रहा है कि अमेरिका को जुकाम हो गया है तो सारी दुनिया को फ्लू हो सकता है। तो अब ये देखना वाकई वाकई ये देखना होगा। और उसके बाद जब हम पूरी दुनिया के परिदृश्य को देखते हैं तो ट्रंप के भी कुछ दावे वहां पर सामने आ जाते हैं। ट्रंप का जैसा किरदार है वैसा अगर हम सीधे तौर पर देखें तो अमेरिका तो दूर की बात है, समूचे विश्व में ऐसा कम देखने के लिए मिलता है ऐसे राजनेता। तो इस बार के चुनाव जिस तरीके से चल रहे हैं उन पर नजर और इस पर चर्चा इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारी जारी रहेगी। आज तक पर आप देख रहे हैं अमेरिकी चुनावों की दस्तक, आपके साथ मैं हूं श्वेता सिंह। इस समय की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के वकील की तरफ से एक बड़ा दावा किया गया है। उनके वकील की तरफ से आरोप लगाया गया है कि चुनाव में धांधली की आशंका है। ट्रंप के वकील का कहना है कि अगर कमला हैरिस जीत गई तो वो ट्रंप और उन्हें पूरी जिंदगी के लिए जेल में डाल देंगी। ट्रंप के वकील ने कहा कि वो जीत को लेकर उम्मीद से भरे हैं लेकिन डरे हुए भी हैं। Capable of cheating? Of course they are. I am very excited and I am appropriately nervous. If they win the case against me and the case against Trump, we go to jail for the rest of our lives. They capable of cheating? Of course they are. I am very excited and I am appropriately nervous. If they win. अम्बेसडर मल्होत्रा, ये समझाइए कि जब हम एलन मस्क की तरफ से वो बातें सुनते हैं जहां पर वो कहते हैं कि वो जीत को लेकर आशंकाएं जताते हैं, जब हम उनके ट्रंप के वकील की तरफ से ये सुन रहे हैं ये बातें, तो ये किस चीज को दर्शा रही है? क्योंकि भारत में रहने वाले बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं वो रिलेट कर पाएंगे जो भारत का की पूरी चुनावी प्रक्रिया है उससे भी, और भारत में जिस तरह के आरोप लगते हैं उससे भी। डिफेंस मैकेनिज्म कह सकते हैं, पहले से एक प्रोपोगंडा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश, संविधान खतरे में है, डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे तो फिर याद दिलाया जाता है कि कैसे उन्होंने प्रवोक किया था। और एलन मस्क तो कहते हैं कि शायद अगर वो हार गए तो अमेरिका में आखिरी इलेक्शन होगा। तो ये सब चीजें एक इन्फ्लुएंस करने, माइंडसेट इन्फ्लुएंस करने की तरफ भी, आपसे पार्ट ऑफ द कैंपेन कह सकते हैं, नेगेटिव कैंपेन। तो मुझे लगता है ज्यादा सीरियसली लेना नहीं चाहिए, क्या उसे इसी तरह देखिए कि जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि अब ईवीएम में गड़बड़ है या ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है या सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये एक वोटर्स को इन्फ्लुएंस करना है। और मुझे लगता है कि ये जो उनके वकील की स्टेटमेंट है इन द मिडल ऑफ द वोटिंग, ये भी एक मेरे हिसाब से तो ऑब्जेक्शनेबल है कि इस तरह से वोट करना या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना कि उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो अभी जिसने वोट नहीं डाले एक बार रुको सोचो, तो ये नेगेटिव कैंपेन का हिस्सा है। और इसका कितना वोटर पे इन्फ्लुएंस होता है, संविधान खतरे में है या नहीं है, ये वोटर खुद डिसाइड करेगा। बहरहाल बहुत से दूसरे बड़े मुद्दे हैं अमेरिका में जिसको वोटर ध्यान में रखेगा वोट करने से पहले। इमोशनल इशू है, अबॉर्शन को लेके, इकोनॉमी को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, माइग्रेशन को लेके, सोशल हेल्थ हेल्थ केयर को लेके, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसके बेसिस पे मुझे लगता है कि आम पब्लिक जो है वो डिसाइड करेगी कि उसे किसकी तरफ जाना है। उन्होंने दोनों की तरफ देखा है, सुना है, बाइडेन गवर्नमेंट की, आप जो अगर कमला हैरिस जीतती है तो डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट है वो तो एक कंटिन्यूटी प्रोवाइड करेगी, तो प्रेडिक्टेबल है कि
बहुत ज्यादा जो है कमला हैरिस चेंजेस नहीं ला पाएगी, क्योंकि वैसे भी वो एक इंस्टीट्यूशनल टाइप ऑफ कैंडिडेट है। डोनाल्ड ट्रंप को लोग देख चुके हैं, अब वो अनप्रेडिक्टेबल नहीं रहे हैं मेरे हिसाब से। लोग इस बात पे सहमत हो चुके हैं कि वो इंस्टीट्यूशनल कैंडिडेट नहीं है, वो इंडिविजुअल कैंडिडेट है। उनके लिए दूसरों के एडवाइस या और इंस्टीट्यूशनल जो मैकेनिज्म्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने अगर कुछ सोच लिया तो उन्होंने करके दिखाना है। तो अब अमेरिका जनता को क्या मंजूर है, क्या उनको ज़्यादा एक्सेप्टेबल है? रशिया उक्राइन वार और ये दूसरी तीसरी जो चीज़ें हो रही हैं, और इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, ईरान इशू, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा इस पे इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। बहरहाल हर जगह की तरह यहाँ पर भी कुछ मुद्दे और कुछ भावनाएं, और उन सब के बीच ये चुनाव जो चल रहे हैं। देवकर्णिकर जी, क्या चीज आपको लगती है? एक तो देखिए काफी क्लोज इन होता जा रहा है ये कॉन्टेस्ट, और अब बहुत मामूली सी बढ़त कमला हैरिस की नजर आ रही है, जो हम जो पोल ऑफ पोल्स के आधार पर हम देख रहे हैं। क्या सबसे मजबूत पिच लग रहा है जिसकी वजह से आपको लगता है, और ट्रंप को भी जो विश्वास है कि वो जीत जाएंगे? सबसे पहली बात धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। ये इलेक्शन अब खड़ा है कि जो 7 स्विंग स्टेट्स है, जिसे हम पर्पल स्टेट भी कहते हैं, 93 इलेक्टोरल वोट्स, उसमें से सबसे ज्यादा अहमियत पेंसिल्वेनिया स्टेट में है। ट्रंप साहब वहां पे पिछले 2-3 महीने में 5 बार कैंपेन कर चुके हैं। कमला हैरिस ने भी कैंपेन किया, बाइडन साहब ने भी कैंपेन किया है। वहीं पर अगर आप देखें, बटलर काउंटी में उन पर असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हुआ था, तो बड़ा मायने रखता है, बिकॉज पेंसिल्वेनिया से आप देखें तो 19 इलेक्ट्रल वोट्स है आउट ऑफ द टोटल 93 वोट्स, इलेक्ट्रल वोट्स फ्रॉम ये 7 बैटल ग्राउंड स्टेट से। दूसरी बात, परसेंटेज ऑफ वोटिंग पिछले 2020 में ऑलमोस्ट 66% लोगों ने वोट दिया था ऑफ द एलिजिबल वोटर्स। तो अगर वोटिंग का परसेंटेज अगर बढ़ता है तो वो भी देखना पड़ेगा कि किसके फेवर में लोग वोट करते हैं। तीसरी बात, वुमेन्स वोटिंग, यू नो 1776 के बाद में पहली बार ये मौका मिल रहा है फिर से एक बार कि एक महिला को प्रेसिडेंट करके चूज कर सकते हैं। अब तक हमने यूएस ने वुमेन प्रेसिडेंट को अभी तक मौका नहीं मिला। तो महिलाएं किस तरफ से इस वोटिंग को देखती है और उस हिसाब से उनका क्या रुझान होता है। आखिरी बात, कमला हैरिस पिछले 4 साल से वाइस प्रेसिडेंट रही है, तो जो मुद्दे वो लेके आई है कि मैं क्राइम रेट ठीक करूंगी, एनर्जी प्राइस को नीचे लेके आऊंगी, फूड प्राइस नीचे करूंगी, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई पे जो खर्चा आ रहा है वो कम करूंगी, गैस प्राइस कम करूंगी, ग्रोसरीज का प्राइस कम करूंगी, होटल हाउसिंग प्राइस कम करूंगी, यू नो जो जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है वो उसके ऊपर कुछ मैं कंट्रोल लाऊंगी, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कम करूंगी। तो ये सब कर सकती थी पिछले 4 साल में। तो जनता उनसे यही पूछ रही है कि आप ये इलेक्शन के मुद्दे लेके आए हो, आपके पास 4 साल तो दिए थे वेयर आप बाइडन के साथ में आप वाइस प्रेसिडेंट थे, तो आपने इन मुद्दों पे क्यों नहीं आपने कोशिश की इन मुद्दों को आपने सुलझाने के लिए। और डेमोक्रेटिक पार्टी अगर आप देखें तो इनका ज्यादा करके रुझान इस प्रो पाकिस्तान, अगर आप इनके पॉलिसीज देखें तो दे आर रशीदा तलीब जो है, इलान उमर जी है, प्रमिला जयपाल जी है, रो खन्ना जी है। तो अगर इनके रेजोल्यूशंस लेके आए अगर आप देखें तो दिस आर ऑल एंटी कश्मीर। और इसीलिए जगदीश सहवानी जी, जब मतलब वाकई एक बहुत विरोधाभास जैसी चीज हो जाती है कि हम देखते हैं कमला हैरिस जो कि जो भारतीय मूल की हैं, और इसके साथ ही हम कश्मीर पर दिए उनके बयान को भी देख लेते हैं, तो क्या अमेरिका में जो भारतवंशी रह रहे हैं, आप लोग जो रह रहे हैं, उनके मन में भी एक पशुपेश आता है जब आप सोचते हैं कि कौन, या फिर वो पार्टी के आधार पर आपका तय रहता है कैंडिडेट जो भी हो? श्वेता जी नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये इलेक्शन जो हो रहा है, एक तो मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शन अमेरिका में हुआ है, करीबन $16 बिलियन पार्टियों ने खर्चा किया है, और सेइंग दैट अल्टीमेटली ये 3 वर्ड्स पे इलेक्शन हो रहा है, AIE, एबॉर्शन इमिग्रेशन एंड इकोनॉमी। जो वुमेन हमारे भारतीय ओरिजिन की वुमेन है वो लार्ज नंबर में कमला हैरिस को वोट कर रही है, क्योंकि वोटिंग एबॉर्शन देर से इट इज माय डिसीजन कि मैं किसको वोट करूं, मेरी बॉडी है, मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे क्या करना है। और दूसरी बात है इमिग्रेशन, तो जहां यूथ जो यहां से भारत से आए हैं वो बहुत अपसेट हैं कि इतने करीबन 10 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट यहां पे आए हुए हैं,
तो वो बोलते हैं हमें इतना टाइम लगा, उनको जल्दी आप कैसे दे रहे हो। और तीसरी इकोनॉमी, तो इन्फ्लेशन 4 साल से बहुत बढ़ गया है, तो वो कमला हैरिस को हर्ट कर सकता है। सेइंग दैट, पांच हमारे 4.5 मिलियन जो भारतीय अमेरिकन हैं, वो ये इलेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं, मेरे ख्याल से डिसाइसिव रोल अदा करने वाले हैं। और दोनों पार्टियां डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन काफी काफी ट्राई कर रहे हैं कि दोनों के हम उनको वोट दें। तो जो भी अभी पलरा भारी अभी थोड़ा डेमोक्रेटिक पार्टी का है, लेकिन इन लास्ट 3 इयर्स रिपब्लिकन पार्टी की और काफी इंडियन अमेरिकन जा रहे हैं। आपने देखा होगा द लास्ट वीक ट्रंप का स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कंडेम किया था हिंदू एट्रोसिटीज इन बांग्लादेश, और फिर उन्होंने बोला था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मेरे मित्र हैं। ये दिखा रहा है कि भारत कितना इंपॉर्टेंट है। सेइंग दैट, जो भी पावर में आएगा, मेरे ख्याल से अभी नया भारत है अंडर द लीडरशिप ऑफ अवर प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो भारत और अमेरिका के रिलेशन इन कमिंग 4 इयर्स तो और भी अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि भारत एज ऑन टूडे इररिप्लेसेबल है फॉर अमेरिका। दे वॉन्ट इंडिया टू बी ऑन देयर साइड। एक्सक्यूज मी सुशांत जी, जब हम डोनाल्ड ट्रंप के कैरेक्टर को देखते हैं, बहुत दफा ऐसा लगता है कि जब अमेरिका में कोई अपनी राजनीतिक प्रतिक्रिया एक्सक्यूज मी दे रहा होता है, तो उनकी तरफ से प्रो कमला हैरिस से ज्यादा एंटी ट्रंप सेंटिमेंट की वजह से वो ज्यादा वो बात कर रहे होते हैं। अगर वैसे हम सशक्त महिला कैंडिडेट के तौर पर देखें, तो ऐसा नहीं है कि हिलरी क्लिंटन के पास कोई कम अनुभव था, तो इस समय क्या ये जो अमेरिका के चुनाव हैं वो ट्रंप के इर्द गिर्द ज्यादा है, या फिर वाकई जो आंकड़े कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है दोनों में? देखिए, अब कांटे की टक्कर तो सारे लोग कह रहे हैं कि है, तो मैं भी मान लेता हूं है, लेकिन एक लिहाज से अमेरिका की जो राजनीति है वो जब से ट्रंप राजनीतिक मंजर पे आए हैं तो तब से उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। एक लिहाज से कुछ जैसे भी आप उसको पोजीशन करें राजनीति को, ट्रंप एक पोलराइज्ड बनकर उभरे हैं, इरेटिक भी हैं वो, बिल्कुल एक नॉन कन्फॉर्मिस्ट तरीके के राष्ट्रपति रहे हैं, उनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग किस्म का है। अभी पहले मेरे ख्याल अम्बेसडर साहब कह रहे थे कि वो एस्टैब्लिशमेंट के फिगर नहीं है, इनफैक्ट एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, वो जो सो कॉल्ड डीप स्टेट है अमेरिका का उसके खिलाफ वो अक्सर बातें करते रहते हैं, और उनके खिलाफ जो लिबरल लॉबी है जो डेमोक्रेट पार्टी को सपोर्ट करती है, उन्होंने एक लिहाज से काफ़ी फासिस्ट टाइप के इंतज़ाम भी इनके खिलाफ किए हैं। जिस तरीके से ये तो हमारे यहाँ पर होता था ना कि अपने जो आपके जो विरोधी हैं उनके खिलाफ आप केसेस कर दो, उनके खिलाफ आप एजेंसियां छोड़ दो, तमाम ये जो हटकंदे यहाँ पर हमारे यहाँ पर यूज होते हैं ये तो अमेरिका में भी हो रहे हैं, और एक लिहाज से इनको घेरे में लिया जा रहा है, तो आई थिंक उसकी भी एक प्रतिक्रिया होगी। दूसरी चीज ये है कि ये मान लेना कि अबॉर्शन का जो एक इशू है वो पोलराइजिंग इशू है, और उसमें सारी महिलाएं जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ नहीं जाएंगी, बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो अबॉर्शन इशू में शायद रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करेंगी। अब उसका क्या बैलेंस कहां पर स्ट्राइक होता है वो देखना पड़ेगा कि कहां पर होता है, लेकिन ये है कि ये जो सारा का सारा चुनाव हुआ ये किसी बहुत बड़े मुद्दे पे नहीं हुआ, ये मैं आपसे पहले भी अर्ज कर रहा था, ये डर पे हुआ है। एक तरफ से डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रंप और उनके समर्थकों का डर, अल्पसंख्यकों को जो गोरे नहीं है उनको, जो महिलाएं हैं उनको वो डर दिखाती हैं, दूसरी तरफ जो ट्रंप और उनके समर्थक हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी और उनकी जो एक वोक पॉलिसीज हैं या जो एक अजीब सी अल्ट्रा लेफ्ट टाइप ऑफ पॉलिसीज हैं उसका डर दिखाती हैं कि इमिग्रेशन आ जाएगी। दोनों पक्षों को बेसिकली डर दिखाकर और उसके बाद फिर वोट मांगना उनसे। लेकिन रोहित, कंक्लूड करते हुए मैं आपसे जानना चाहती हूं कि कितनी देर में, अगर मैं घंटों के हिसाब से आपसे समझूं कि कितने घंटे के बाद पहले जो रुझान है इन चुनावों के वो सामने आना शुरू हो जाएंगे? देखिए, अभी से कुछ 8 घंटे मुझे लगता है लगेंगे पहले रुझान की तरफ देखने के लिए। ऑल्दो यहाँ पे एक प्रक्रिया रही है नेटवर्क्स की, वो जल्दी से बता देते हैं डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस ईयर्स डेटा और वो सारी चीजें, लेकिन कभी अब कम से कम 8 घंटे तो लगेंगे हमें, क्योंकि पोल्स जो है वो खुले रहेंगे,
पोलिंग बूथ जो है वो खुले रहेंगे, तो 8 घंटे हमें जरूर लगेंगे पहले रुझान देखने के लिए। श्वेता बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अमेरिकी चुनाव पर हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी, और साथ में जो हम अमेरिका में रहने वाले भारतीयों से कह रहे हैं कि एक जूम आईडी है और उसका एक पासवर्ड है जिसके जरिए आप आज तक से जुड़ सकते हैं, अपनी राय बता सकते हैं कि आपके हिसाब से अमेरिका में कौन बेहतर रहेगा, डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस।